देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए सिटीजन्स वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 12 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में पैदा होते हैं, जो मैंने बताया आपको। मदर का हीमोग्लोबिन कम होता है, कई बार उसका असर सीधा बच्चे की सेहत पे पड़ता है। बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है 7 महीने का, 9 महीने की बजाय। अंडरवेट पैदा होता है, 600 ग्राम का बच्चा है। अभिभावकों से देखिए, मैं तो अपील करना चाहता हूँ अभिभावकों को, एक भी बच्चे की जान जाती है हमारे लिए तकलीफ का कारण बनती है। और पूरी संवेदना है सरकार की उन बच्चों के साथ, परिवारों के साथ, लेकिन थोड़ा सा जागरूक उनको होना पड़ेगा। समय पे अगर आप चिकित्सालय लेके आएंगे तो बच्चे की जान बचाने का प्रयास हमारा विभाग करेगा, डॉक्टर करेंगे, ये उन पर भरोसा होना चाहिए। और बचा भी रहे हैं, जब 18 लाख बच्चों में से 17 लाख बच्चों को हम बचा रहे हैं, वो कोई चर्चा नहीं है। जब क्रिटिकल केसेस आते हैं तो वो अपने आप में, मैं देख के आया खुद, 600 ग्राम के बच्चे को किस ढंग से वार्मर पे रख के, वेंटिलेटर पे रख के, नेबुलाइजिंग करके और उसकी जान को बचाने की कोशिश हमारे डॉक्टर कर रहे थे। अब आप वहां भय का वातावरण पैदा कर दो, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाए, डॉक्टर्स और हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है वो डिमोरलाइज हो जाएगा, मान लो तो चिकित्सा की व्यवस्था ज्यादा चरमराएगी कि नहीं, तो ये तो कम से कम बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए। देखिए, उनको मालूम नहीं है, वो तो सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं। हमने जो स्टेप्स उठाए हैं कोटा के अस्पताल के लिए, सबसे पहले तो बीजेपी अध्यक्ष से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब 2012 में हमारी सरकार थी, हमने 60 बच्चों के बेड बढ़ाए वहाँ, वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी उसकी, बीजेपी की सरकार आने के बाद वो बेड कहाँ गायब हो गए? अगर आज वो बेड यहाँ होते तो एक बेड पर 2 बच्चों को हमको नहीं लेटाना पड़ता। अपराध आप खुद कर रहे हो, आपकी जो सरकार के रहते हुए 2015 में वहां के जो प्रशासन ने, मेडिकल प्रशासन ने 8 करोड़ रुपए वहां की सुविधाएं बढ़ाने के मांगे, आपने 1 रुपया नहीं दिया। 2016 में 9 करोड़ 25 लाख रुपए मांगे, आपने 1 रुपया नहीं दिया। 2017 के अंदर 20 करोड़ रुपए मांगे, आपने 1 रुपया नहीं दिया। 300 बेडेड अस्पताल, उसकी मांग लगातार ओम बिरला जी, वहां जो अभी लोकसभा के अध्यक्ष विधायक थे, प्रहलाद गुंजल जी इनकी पार्टी के विधायक थे, भवानी सिंह राजावत जी इनके विधायक थे, 5 साल तक चिल्लाते रहे वो वहां के अस्पताल की स्थिति को सुधारने के लिए। एक कदम इनकी सरकार ने नहीं उठाया, एक पैसा जारी नहीं किया। जो इन्फेक्शन मॉनिटरिंग का काम है उसको हमने जनरल वार्ड और ओटीम, वो महीने में 1 बार और आईसीयू के अंदर महीने में 2 बार वो निश्चित कर दिया है। जितने भी इक्विपमेंट खराब होते रहते हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए 1 करोड़ रुपया जारी कर दिया। सेपरेट ओपीडी बच्चों का, सेपरेट इम्यूनाइजेशन क्लिनिक, ये सारे काम हमने किए हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हम सुधार नहीं कर रहे हैं, जो भी खिड़की दरवाजे टूटे हुए उनको ठीक कर रहे हैं। आज बीजेपी को सिर्फ राजनीति करनी है, और राजनीति करनी है तो फिर हमारे सवालों का जवाब भी उनको देना पड़ेगा। हमने शिशु मृत्यु दर में कमी इस 1 साल में हम लेके आए हैं, अगर प्रयास नहीं होते, आप जिस तरह के आंकड़े 5 साल के उठा के देखो, 7.62% 2014 के अंदर, 7.17% 2015 के अंदर, 6.16% 2017 के अंदर, 2018 के अंदर 6.11% और हम उसको 5.5 पे लेके आए। तो अगर सुधार का काम नहीं करते, एक भी बच्चे की जान जाए वो हमारे लिए दुख का कारण है। अब इन्होंने उसको जिस वार्ड के अंदर आईसीयू में क्रिटिकल कंडीशन में बच्चे होते हैं, हम उनके पेरेंट्स को अलाउ नहीं करते ताकि संक्रमण नहीं फैले, इन्फेक्शन नहीं फैले, ये वैसे ही खतरे की स्थिति में बच्चा आता है उस वार्ड के अंदर। जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता जूते चप्पल लेके घुस रहे हैं, क्या उससे बच्चों की जान को खतरा नहीं पैदा होगा? और बच्चे अगर मरेंगे तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आप वहां गैस के सिलेंडरों को धक्का मुक्की करके ऑक्सीजन के सिलेंडर को गिरा रहे हो, अव्यवस्था पैदा कर रहे हो, एक गंदी राजनीति करने के लिए। बच्चों की मौत पे किसको खुशी होगी? हमें भी दुख है, लेकिन